साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, ये गोडामालानी विधानसभा से बाड़मेर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। सहकारी समिति के जो चुनाव हो रहे हैं उनको निरस्त कराने के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हैं। तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, इनमें दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। एक का नाम श्रवण कुमार है और दूसरों का नाम पुरखाराम पुत्र पदवाराम जाति कलबी निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी है। इन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने बताया है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जो रतनपुरा में चुनाव होने वाले है उनकी कार्यकारिणी अयोग्यता है, इस कार्यकारिणी को निरस्त किया जाए। तो अपन इनसे बात भी करेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। पुरखाराम जी और श्रवण दो है इनसे। तो आप एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखा लाता हूँ, फिर इनकी मांग क्या है। ये बता रहे हैं कि बिल्कुल अनपढ़ है, कभी स्कूल के पीछे से नहीं गए है, वो चुनाव में खड़े हुए। बाकी उनके दो की जगह पाँच पाँच चार चार संतान है, तो भी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और क्या आरोप लगाया है वो अपन पुरखाराम और श्रवण से बात करके पूरी जानकारी लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं पुरखाराम से, क्या मामला है बताओ। मामला साहब ये है कि हमारे सोसाइटी कमेटी बनाई है, उसमें अयोग्यता है, उनको खारिज किया जाए। योग्यता वाला है तो सही है, अयोग्यता है तो उसको खारिज किया जाए, नई कमेटी बनाई जाए। तो आपने आज किसको ज्ञापन सौंपा? कलेक्टर साहब को। ऐसे कितने लोग हैं अयोग्यता? ऐसे 7 लोग है। तो कभी उनको उन्होंने अपनी टीसी पेश नहीं की? पेश नहीं की। टीसी वो फॉर्म है उसमें टीसी है ही नहीं। तो जो वो क्या कह रहे हैं वहाँ जो है ना कोऑपरेटिव मैनेजर है वो? मैनेजर तो कहे गांव वाला करे जो को सही है। तो आप क्या चाहते हो? हम निरीक्षण कराना चाहते हो। ठीक है, चलो श्रवण से बात करते हैं, क्या मामला है श्रवण? ये मामला ये है कि जो व्यक्ति योग्य है उनको रखा जाए और अयोग्य व्यक्तियों को हटाया जाए। यहाँ फॉर्म दोबारे मतलब रिजेक्ट करके दोबारे लगाए जाए, जो योग्य व्यक्ति हैं उनका लगाया जाए। कितने लोगों ने फॉर्म भरे है? लगभग 14-15 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। 14 में से अयोग्य कितने लोग है? 7 फॉर्म है। 7 फॉर्म है, उनके निरस्त किए जाए। आपकी मांग ये है? ये। तो आज आपने किसको ज्ञापन सौंपा है? कलेक्टर साहब को सौंपा है। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कि आपकी पूरी सुनवाई होगी और आपके दिए गए आदेश के अनुसार पूरा कार्य होगा। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो साथियों, ये पुरखाराम और श्रवण दोनों कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जो सहकारी समिति के चुनाव है उनको निरस्त किया जाए। धन्यवाद।